गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माय नेम इज राज आलमपुर। एज यू नो, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर एंड ह्यूमन काउंसलर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू पे ब्यूटीफुल थैंक्स टू ऑल व्यूअर। आप सभी इतना सम्मान कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी अवेयरनेस फैला रहे हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एज यू ऑल नो, वी आर वर्किंग ऑन 100 बातें काम की। आप सभी जानते ही हैं कि हम अगले वीडियो में आ गए हैं। आई रिकमेंड यू ऑल कि आप इस वीडियो के दूसरी जो सीरीज का जो दूसरी वीडियोज हैं उनको भी आप जरूर देखें, ताकि आपकी जिंदगी जीने का स्तर और भी बढ़िया हो जाए, आपके जीवन में खुशी की मात्रा, कामयाबी की मात्रा और अच्छी हो जाए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कि एक इंसान की जिंदगी की असलियत में कीमत क्या है। इस बात को समझने के लिए हमें एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी को ही समझना पड़ेगा, और ये स्टोरी है एक इंसान की, जिसने अपने जीवन को समझने के लिए एक वो अपने गुरुजी के पास गए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी की इस कीमत को गुरुजी जानना चाहता हूं, कि मैं किस हद तक ऊपर जा सकता हूं, किस हद की कामयाबी ले सकता हूं, और क्या क्या मेरे जीवन में किस प्रकार की चीज़ें मेरी ज़िंदगी को वैल्यू क्रेडिट कर सकती हैं। तो आइए, गुरुजी ने इसी बात को समझा, और जैसे ही समझा तो उन्होंने कहा कि आज मैं आपको इस चीज़ का प्रैक्टिकल करवाना चाहूँगा। तो सबसे पहले, ये बात बताने से पहले, आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम क्या है कि आपको मैं एक पत्थर ला के देता हूँ। इस पत्थर को आपको बेचना नहीं है, पर इसकी कीमत आपको जान के आनी है। उस इंसान ने कहा बिल्कुल ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। उस इंसान को एक हाथ में पत्थर मिल गया, पत्थर लेके वो चल रहा है। एक देखा कि एक शहर के अंदर एक संतरे की रेड़ी लगी हुई है, वहाँ जाके कहा कि मुझे ये पत्थर आपको देना है, तो बताइए इसके बदले आप मुझे क्या दे सकते हैं। तो उसने उस पत्थर की कीमत लगाई कि जी आपको मैं 2 किलो संतरे दे दूंगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा जी गुरुजी का आदेश है कि आपको बेचना नहीं है, बस आपको इसकी कीमत जाननी है। इसकी कीमत जानने के बाद वापस आया, और वापस आते ही अगले दिन गुरुजी ने भेज दिया दूसरी जगह। वहाँ जाके देखा एक दुकानदार था, वो दुकानदार ने कहा कि मैं आपको इसके 1,000 रुपये दे सकता हूँ, और मेरी दुकान में इस पत्थर को रख देंगे तो दूसरे लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आगे से जवाब दिया कि गुरुजी ने कहा है कि इसको बेचना नहीं है, बस कीमत जाननी है। ऐसे करते ही तीसरे दिन वो किसी इंसान के पास दोबारा भेजा गया। वो इंसान जो था वो थोड़ा सा अच्छा रईस था, थोड़ा सा समझदार था, तो उसने उस पत्थर को देखा और कहा कि ये तो मेरे घर में यदि मैं रख दूंगा तो बहुत अच्छी चमक आएगी, तो इसके मैं आपको 1,00,000 रुपये भी दे सकता हूँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब पॉइंट ये वहीं पे फिर आ गया कि गुरुजी ने कहा है कि इसको बेचना नहीं है, तो वो वापस आ जाते हैं। अगले दिन गुरुजी ने उसे एक हीरे की दुकान पे, एक जोहरी की दुकान पे भेज दिया। जैसे ही इंसान ने एंटर किया और वो पत्थर को निकाला और उस जोहरी ने देखा, तो उसने कहा ये पत्थर आपको कहाँ से मिला, इस पत्थर की तो इतनी कीमत है कि जितनी मेरे दुकान में जितना सामान नहीं है, जितने मेरे पास पैसे नहीं, मेरी जायदाद नहीं, उससे भी कई गुना मैं आपको इसका पैसा दे सकता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दीजिए। यही बात कहते हुए दोबारा से उस इंसान ने कहा कि मेरे गुरुजी का आदेश है कि मुझे ये बेचना नहीं है, बस इसकी कीमत जाननी है, और ये करते हुए वापस वो इंसान अपने गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी ने अब सीधे शब्दों में उसे समझा चुका था कि आपकी ज़िंदगी की कीमत ही ये पत्थर जैसी ही, ये पत्थर आपकी ज़िंदगी है। आप चाहें तो इसे 2 किलो संतरे में बेच सकते हैं, आप चाहें तो इसे 1,000 रुपये में बेच सकते हैं, आप चाहें तो इसे 1,00,000 रुपये में बेच सकते हैं, और यदि आप खुद चाहें तो आपकी ज़िंदगी अनमोल है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है ज़िंदगी में। इसीलिए आपको ये बात खुद भी समझनी पड़ेगी कि हम अपने जीवन में 24 घंटे ही रोजाना जीते हैं, सभी के ज़िंदगी में 24 घंटे हैं। कुछ लोग उस समय को बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर पाते हैं, और कुछ लोग अपने समय को ख़राब कर रहे हैं। ज़िंदगी निश्चित ही अनमोल है, वो तो आप पे डिपेंड है कि आप इसे कितना हल्का समझते हैं, या आप पे निर्भर करता है कि आप ज़िंदगी की कितनी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने में बिकना चाहते हैं। जी हाँ, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि रोज़ाना हमारे पास, सभी के पास बराबर समय होता है, जिसे हम ज़िंदगी ही कहते हैं। इसी ज़िंदगी की कीमत सबके लिए अलग अलग होती है। आपकी ज़िंदगी की स्किल कितनी अच्छी है, हो सकता उस पत्थर की एक निश्चित कीमत भी हो सकती थी, लेकिन ज़िंदगी की कीमत कभी नहीं होती, बल्कि इस कीमत को हम अपनी स्किल को, अपनी ज़िंदगी के तौर तरीके को, ज़िंदगी जीने के खुद के ढंग को, पर्सनैलिटी को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को या दूसरी चीज़ों को सुधार के हम अपनी ज़िंदगी की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अपने आप को कभी भी हल्का न समझें। यदि पूरी दुनिया में यदि सबसे अच्छा किसी का जीवन है तो वह इंसान का जीवन होता है, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की क्षमता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी दूसरी चीज़ें और भी हैं।
इसीलिए आप अपने आप को हल्का न समझें, ये जिंदगी मिली है भगवान का थैंक यू करें, और थैंक यू करने के साथ में जी जान लगा के जुट जाएं और कुछ बड़ा करके दिखाएं। आपका जन्म कुछ न कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है, निश्चित ही भगवान कभी भी कोई छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, एक इंसान जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए जिसमें कुछ भी गड़बड़ सामान आ सकता है, लेकिन ये भगवान का बनाया हुआ करिश्मा है कि इंसान अपने आप पे ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है। भगवान कभी भी आपको हल्का नहीं बनाता, कोई भी ऐसा सामान बना के कभी वो धरती पे भेजता ही नहीं जिसमें कोई डिफेक्ट हो। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग अपने आप को हल्का समझते हैं, ध्यान रखिए इस बात का कि भगवान ने आपको बहुत अच्छे से बनाया है और आपकी कीमत आपकी वैल्यू आप पे निर्भर करती है कि कितना अच्छा आप संवार सकते हैं, कितना अच्छा आप अपने आप को तराश सकते हैं। एक पत्थर जब तराशा जाता है तो उस टाइम वो पत्थर बोलता है मुझे छोड़ दीजिए दर्द हो रहा है, उस पत्थर की जगह होती है जहाँ सीढ़ियाँ मंदिर में होती हैं। एक पत्थर कहता है कि मुझे खूब से तराश दिया जाए, खूब से मेरे ऊपर चोट लगे, खूब से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसी पत्थर का दूसरा रूप मूर्ति बन जाता है जिसे लोग पूरी ज़िंदगी भर भगवान मान के पूजा करते हैं। ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम अपने जीवन को कितना तराशते हैं, कितना अच्छा हम अपने ऊपर काम करते हैं, कितनी स्किल को डेवलप करते हैं, कैसा एटीट्यूड रखते हैं, यही निर्भर करता है कि आपकी ज़िंदगी में वैल्यू आपकी कितनी बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और मैं कहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है दूसरे लोगों तक पहुँचाने में अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, इस मिशन में हमारे साथ आहुति डालें, और इस काउंसलिंग की आपको यदि ज़रूरत पड़ रही इस लॉकडाउन में तो हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सेवाएं उपलब्ध हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं दिल की गहराइयों से, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।